एक तरफ जहां क्रिसमस त्योहार को लेकर चर्च में तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाव मंच के पदाधिकारी सेंट मैरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल प्रबंधन से मुलाकात कर स्कूली बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज न बनाने की बात कही। इसके साथ ही इस प्रकार का अगर कोई आदेश आपने जारी किया तो उसको तत्काल वापस लिया जाए। वहीं संस्कृति बचाव मंच अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि स्कूल में अधिकांश बच्चे हिंदू समाज के पढ़ने आते हैं, ऐसे में बिना पालकों की अनुमति सांता क्लॉस नहीं बनाने का आग्रह किया है। वही स्कूल प्रबंधन पर दीपावली पर सिर्फ 2 दिन और क्रिसमस पर 10 दिन की छुट्टी देने पर भी नाराजगी जताई है। आज संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता सेंट मेरी स्कूल सेकंड स्टाफ पर जाकर इनकी प्रिंसिपल से हमने बात करी और इन्हें समझाया है कि आप जबरदस्ती ये फरमान जारी ना करें कि हमारे बच्चे सांता क्लॉस बन के आए, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ 90% बच्चे हिंदू समाज के और सनातन धर्मी पढ़ते हैं। साथ ही हमने ये भी कहा है कि आप जब 2 तारीख तक यहाँ पर छुट्टी लगा रहे हैं, 22 तारीख से 2 तारीख तक, दीपावली पर आप 2 दिन की छुट्टी देते हैं और अपने क्रिसमस पर 10-10 दिन की छुट्टी देते हैं, ये भेदभाव नहीं चलेगा। बच्चों को कलावा बांध के नहीं आने देते, बच्चों को आप तिलक लगा के नहीं आने देते, सनातन धर्मियों के साथ अब ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म का जो अपमान करेगा उसे संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने ये अल्टीमेटम दे दिया है, नहीं तो इसकी शिकायत हम ऊपर तक अधिकारियों तक करेंगे और इस प्रकार का जो भेदभावपूर्ण रवैया है उसे बंद करने का निवेदन।